ब्यूटिफुल स्किन किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए राइट, है ना। सभी लोग मुझसे पूछते रहते हैं, दीदी आपकी स्किन इतनी अच्छी कैसे है, आपने लाइफ में क्या क्या यूज़ किया है। सबसे ज़्यादा मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन होता है मेरे लाइव सेशन पे और मेरे कमेंट सेक्शन में। तो चलो आज मैं बता देती हूँ मेरा मिरेकल मैजिकल फेस वॉश कम फेस मास्क कम स्क्रब, ये तीनों का काम करेगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है गाइस, लव यू सो मच, और वॉच करो कैसे बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए एक खाली बोल, कांच की बोल ली है मैंने, और अब मैं बताऊँगी किस तरह से नेचुरल DIY फेस वॉश बनाना है। तो इसमें मैं ले रही हूँ 3 चम्मच के करीब मुल्तानी मिट्टी पाउडर, और जितनी भी चीज़ें मैं यूज़ करूँगी सब ध्यान रहे एकदम प्योर हो, मतलब प्योरिटी की गारंटी के साथ आप ख़रीदना। ये बेसन ले रही हूँ मैं, ये भी अप्रॉक्सीमेट 3 चम्मच के करीब लूँगी, यानी 3 चम्मच मैंने मुल्तानी मिट्टी 3 चम्मच मैंने बेसन लिया, दोनों बहुत अच्छे क्लेंजर होते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ सैंडलवुड पाउडर जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारी स्किन के लिए, सो 1.5 स्पून लिया है मैंने, और ये है संतरे के छिलके का पाउडर, ये मैंने बाजार से लिया है लेकिन आप चाहो तो घर पे भी सुखा के पी सकते हो, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। ये मैंने 1 चम्मच भर के लिया है। ये है रोज पेटल पाउडर, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये सारी चीज़ों के गुण आपको पता होंगे कि क्या काम करते हैं। और ये है वाइल्ड टर्मरिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको जो घर में टर्मरिक यूज़ करते हैं वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ करना है ये वाइल्ड टर्मरिक, ये आपको अमेजोन पर मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है स्किन के लिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, रंग बहुत अच्छी तरह से निखारता है। जितने भी इन्ग्रीडियंट्स इस फेस वॉश में मैंने डाले हैं ये सारे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है स्किन के लिए। अगर आप 2 मिनट लगा के धो दोगे तो फेस वॉश का काम करेगा, लगा के छोड़ दोगे तो फेस पैक का काम करेगा, और थोड़ा सा घिसोगे इसको 5 मिनट के लिए तो फेस स्क्रब का काम करेगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आपको 15 दिनों में एक बार बना लेना है, और डब्बे में भर के जो है एयर टाइट डब्बे में भर के बाथरूम में रख देना है। सिंपल, जाओगे नहाने के लिए थोड़ा सा और कुछ नहीं है तो आप पानी भी हाथ में लेके लगा लोगे तो फेस वॉश का बहुत अच्छा काम करेगा, आप मान जाओगे मुझे। इसको आप यूज़ करके देखो, इतना अच्छा फेस वॉश है ये और फेस मास्क एज वेल। अगर आपको स्क्रब की तरह यूज़ करना है तो आप 1/2 चम्मच राइस फ्लोर डाल दो और आप स्क्रबिंग कर सकते हो। अब इसका फ़ायदा हम दुगना तिगना कैसे करें वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मिलानी है, किस तरह से मिलानी है। जिसकी ड्राई स्किन है उसको क्या करना है, जिसकी ऑयली स्किन है उसको क्या करना है, ये सब मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये इस तरह से बना के मैं इसको अब डब्बे में भरूंगी। मैंने ऑलरेडी एक डब्बा जो है वो धो के रखा हुआ है सुखा के, प्लास्टिक के कंटेनर में भर सकते हो, ग्लास के कंटेनर में भर सकते हो। 3 काम करेगा, फेस वॉश का काम करेगा, स्क्रब का काम करेगा और फेस मास्क का काम करेगा, बहुत ज़्यादा मैजिकल है ये। तो सबसे पहले इसको मैं डब्बे में भर लेती हूँ, ये मैंने मेरे डब्बे में भर लिया, आप किसी भी कंटेनर में भर सकते हो, इस टाइप का कंटेनर कोई खाली हो उसमें भर के रख सकते हो और बाथरूम में रख दो 15-20 दिन के लिए, क्या महीने के लिए भी आप करके रख दोगे तो भी चलेगा, बहुत ज़्यादा मैजिकल है ये। किस तरह से यूज़ करना है वो भी यूजेस भी मैं आपको बता देती हूँ आगे, आप ध्यान से देखते रहिए और खोल के दिखा देती हूँ। देखो अंदर भरा हुआ है पूरा का पूरा। तो ये जितनी भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं सब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हमारी स्किन के लिए, वाइटन करते हैं, ब्राइटन करते हैं स्किन को और सॉफ्ट बनाते हैं, और ऑफकोर्स यार इतना गोरा बना देंगे आपको 2 महीने में, आप देखो इसे यूज़ करके। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 चम्मच, क्योंकि मैं आपको दोनों ही डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाऊंगी, फेस वॉश भी और फेस मास्क भी। तो 2 चम्मच के तकरीबन मैंने ले लिया है, 2.5 चम्मच के तकरीबन। अब मैं आपको बताऊँगी ड्राई स्किन वालों को क्या करना है, ऑयली वालों को क्या करना है। तो जिनकी ऑयली स्किन है उनको तो इसमें डालना है लेमन जूस, थोड़ा सा लेमन जूस डालना है जिनका ऑयली स्किन है, और डालना है रोज़ वाटर या प्लेन वाटर, एज वेल एज घर में कोई भी फ्रूट अवेलेबल हो, जैसे आजकल वाटरमेलन का सीज़न चल रहा है, वाटरमेलन का बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, ठंडक देता है, बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स होते हैं, तो इसका जूस भी ऐड कर सकते हो। ये नहीं है तो कुकुम्बर भी ऐड कर सकते हो, पपैया ऐड कर सकते हो, कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो। और अगर किसी की स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसको कर्ड में करना है, कर्ड में घोल लेना है इसको, और साथ में डाल देना है 1 चम्मच के करीब हनी। तो इस तरह से जो ड्राई स्किन वाले हैं वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी। एंड अगर घर में कुकुम्बर है, मतलब कोई भी फ्रूट का सीज़न नहीं है, मतलब वाटरमेलन का नहीं है, ऑरेंज का नहीं है, ऑरेंज भी डाल सकते हो आप, ऑरेंज जूस भी, तो कुकुम्बर तो हमेशा अवेलेबल होता है, तो आप कुकुम्बर भी डाल सकते हो, वाटरमेलन भी डाल सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, जो भी चीज़ घर में अवेलेबल हो अकॉर्डिंग टू दैट कर लो। तो यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब हनी, ये डाल देंगे इसके अंदर, 1 चम्मच के करीब हनी डाला मैंने, और अब मैं वाटरमेलन का जूस डालूंगी, क्योंकि वाटरमेलन आजकल अवेलेबल है मार्केट में, बहुत बढ़िया होता है स्किन के लिए, कूलिंग इफेक्ट देता है, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं, स्किन को हाइड्रेट करता है, तो अब मैं इसका जूस अच्छी तरह से डाल दूंगी इसके अंदर।
जितने भी फ्रूट्स होते हैं गाइज हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो ट्राई करो नेचुरल रेमेडीज़ पे स्टिक रहो, आप जो है एकदम से फ़र्क तो नहीं पड़ेगा पर धीरे धीरे आप ग्रेजुअली देखोगे स्किन आपकी जो है मैजिकली निखर के बाहर आएगी। तो ये मैंने इसमें वाटरमेलन का जूस डाल दिया है, कुकुम्बर भी डाल सकते हो आप, मैं नहीं डाल रही हूँ लेकिन आप चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो साथ में, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और अगर ड्राई स्किन है तो कर्ड डालनी है, लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो कर्ड नहीं डालनी है, ठीक है। और थोड़े से ड्रॉप्स डालेंगे हम लेमन के, वेरी फ्यू ड्रॉप्स, ज़्यादा ड्रॉप्स नहीं डालने हैं, लेमन को बहुत कम यूज़ करना चाहिए, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। और अगर ज़्यादा यूजेस करने हैं तो रात के टाइम यूज़ करें, कभी भी सुबह में यूज़ ना करें क्योंकि फोटो सेंसिटिव बनाने का डर रहता है स्किन को, तो इस तरह से कर लेना है। और थोड़ा सा रोज़ वाटर मैंने स्प्रिंकल किया है ऊपर, चाहो तो प्लेन वाटर भी ले सकते हो आप। अब इसको अच्छी सी कंसिस्टेंसी बना लेनी है, आप देखो अच्छी तरह से ये हो गया है, मिक्स हो गया है, कोई लम्स नहीं अंदर, और इस तरह की कंसिस्टेंसी के रखनी है इस तरह, इस टाइप की। तो अब इसको लगाएंगे हम, बताती हूँ आपको किस तरह से करना है, फेस वॉश की तरह यूज़ करना है, तो 2 मिनट लगा के छोड़ देना है और फिर वॉश कर देना है। तो यहाँ पे मेरी स्किन पे कुछ भी नहीं है, एकदम क्लीन है स्किन, बस नेचुरल ऑयल है थोड़ा सा निकला हुआ। तो इसको अब हम फेस वॉश की तरह लगाएंगे, और जब फेस वॉश की तरह लगाएंगे ना तो इसी को बस 2 मिनट के लिए इस तरह से, मतलब पहले स्क्रबिंग सी करते हुए लगाना है, हल्की सी मसाज करते हुए, बहुत लाइट स्ट्रोक्स होने चाहिए ये ध्यान रहे, और बस 2 मिनट के लिए छोड़ के आप वॉश कर दोगे तो ये फेस वॉश बन जाएगा आपका, बहुत अच्छा फेस वॉश बन जाएगा। तो ये 2 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी और फिर इसको पानी से वॉश कर लूँगी, तो ये हमारा फेस वॉश बन जाएगा। मेरा सजेशन है आप दिन में एक बार इसे ज़रूर यूज़ करें, एक बार मार्केट वाला फेस वॉश यूज़ करें, एक बार इसे करें। मार्केट वाला यूज़ करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि डर्ट और ग्राइम जो पूरे दिन में लगती है हमारे चेहरे पर वो हमारी निकल जाती है उससे, तो मॉर्निंग के टाइम पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसको फेस मास्क की तरह लगाना है तो आपको एक गाढ़ी लेयर लगा देनी है स्किन पर, जैसे मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। तो आपको फेस वॉश की तरह तो मैंने बता दिया, 2 मिनट लगा के छोड़ देना है और वॉश कर देना है घिसते हुए, बहुत ज़्यादा नहीं घिसना है, हल्के हाथ से मसाज करते हुए धो देना है तो फेस वॉश का काम करेगा। और इस तरह से अगर आप लगा दोगे गाढ़ी गाढ़ी लेयर और लगा के आपको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है, पूरा नहीं सुखाना है क्योंकि मुल्तानी मिट्टी है अंदर, इस बात का ध्यान रहे, सिर्फ 10-15 मिनट रखना है, जब हाफली ड्राई हो जाएगा ना तब धो देना है हल्का सा मसाज करते हुए, आधा ही सुखाना होता है। अगर मुल्तानी मिट्टी का पैक है तो आधा ही सुखाना है, 50% पूरा सुखाना नहीं है। तो 10-15 मिनट तक हम रखेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। तो यहाँ पे 15 मिनट जैसे हो गए हैं तो आधा आधा सूखने लगा है, पूरा नहीं सूखा है, आप देख सकते हो फोरहेड पे सूख गया है। कॉटन पैड लेके मैं आपको दिखाती हूँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, एकदम से स्किन पे फ़र्क पड़ जाएगा। ये मैंने पानी में भिगो लिया है कॉटन पैड, और अब मैं इसे साफ़ करूँगी, एक छोटा सा पोर्शन आपको दिखाऊँगी। वैसे आपको इसमें इतना पता नहीं चलेगा कैमरा में, आपको ऐसा लगेगा भाई दीदी तो है ही गोरी तो दीदी की स्किन पे कहाँ पता चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है यार, बहुत ज़्यादा फ़र्क करेगा। आप मेरे वर्ड्स पे ट्रस्ट करो और इसको यूज़ करके देखो, आप 2 महीना यूज़ करो इसे एज अ फेस वॉश। और फेस मास्क की तरह यूज़ करना है तो वीक में 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हो, जिस तरह से मैंने बोला है, ड्राई स्किन वालों को उस तरह से और ऑयली स्किन वालों को दूसरी तरह से। तो चलो वॉश कर लेते हैं इसको, अब हल्की सी मसाज करते हुए वॉश कर लेना है इसको 10-15 मिनट के बाद, अगर आप एज अ फेस मास्क लगा रहे हो। और अगर आप एज अ स्क्रब लगा रहे हो तो आपको बस डायरेक्टली अप्लाई करना है, छोड़ना ओढ़ना कुछ नहीं है, बस उसको हल्की हल्की सी मसाज करके वॉश कर देना है। अगर आपको हैवी स्क्रबिंग इफेक्ट चाहिए तो आप इसमें राइस फ्लोर ऐड कर दो 1/2 चम्मच, और फिर यूज़ करो हनी मिला के। तो हनी क्या है, आपको एज वेल एज मॉइस्चराइज करेगा आपकी स्किन को और स्क्रबिंग इफेक्ट भी देगा। वैसे अगर आप राइस फ्लोर ना भी मिलाएं तो भी चलता है क्योंकि सैंडलवुड पाउडर में हल्का सा स्क्रबिंग इफेक्ट होता ही है। आईज़ की चारों तरफ थोड़ा ध्यान रखें, बहुत सेंसिटिव होती है यहाँ की स्किन, तो बहुत हल्के से स्ट्रोक लगाएं। तो यहाँ मैंने फेस वॉश कर लिया, आप देख सकते हो स्किन एकदम से ब्राइटन दिख रही है। आपको पता चल रहा होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता चल रहा है, साफ फ़र्क पता चल रहा है। तो ये एकदम नेचुरल फेस वॉश है, इसको आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर लो यार, दिन में कम से कम एक बार इस फेस वॉश से अपना फेस ज़रूर वॉश करो, आप मुझे मान जाओगे कुछ दिनों में आपको साफ़ फ़र्क दिखेगा। अगर आपको इससे स्क्रबिंग करनी है तो आपको सिर्फ हफ्ते में एक ही बार करनी है। आप देखो फ़र्क दिख रहा है, नेक थोड़ी सी ब्लैक दिख रही है, उसके कंपेरिजन में फेस ज़्यादा वाइट दिख रहा है, तो आप मुझे मान जाओगे। ये तीनों तरीके से इसको यूज़ करके देखो। अब हमने अपना फेस तो वॉश कर लिया, बहुत ज़रूरी है इसको मॉइस्चराइज करना या प्रोटेक्ट करना। अगर आप बाहर जा रहे हो तो सनस्क्रीन लगाओ, घर पे हो तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो एलोवेरा जेल इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और अगर आप कहीं मतलब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप कोई भी अपने पसंद का मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है फेस पैक वगैरह के बाद कुछ भी प्रोटेक्टिव स्किन पर ज़रूर लगाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एलोवेरा जेल लगा रही हूँ, वाओ कंपनी का, पतंजलि का भी मैं यूज़ करती हूँ। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करता है, सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, दाग धब्बे झाइयाँ झुरियाँ सब चीज़ों को मिटाता है, बहुत हेल्प करता है स्किन को मेंटेन करने में। तो आप देख सकते हो पूरा केयर हो चुका है मेरा,
अच्छी तरह से मैंने सब आपको दिखा दिया डेमोन्स्ट्रेशन, आपको भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क दिख रहा होगा, मुझे भी दिखाई दे रहा है। तो आप ये सारी चीज़ें अपने डेली रूटीन में शामिल करो, नेचुरल चीज़ों पे स्टिक रहो, टाइम लगेगा लेकिन रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसे आज से यूज़ करना शुरू कर दो, नेचुरल फेस वॉश कम मास्क कम स्क्रब, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है नेचुरल रेमेडीज़। अगर ये वीडियो पसंद आए तो यार लाइक ज़रूर करना यार, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर नए हो, और टिंग टोंग बेल ज़रूर बजा देना फॉर माय मोर अमेजिंग ब्यूटी रेमेडीज़। लव यू गाइस। दो शब्द आपसे बात करना चाहूँगी, तो चलो बात कर लेते हैं, उसके बाद फाइनली आपको बाय करती हूँ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये फेस वॉश, DIY फेस वॉश जो कि मैंने आज आपको बताया है। और ये फेस वॉश के साथ साथ, जैसे कि मैंने आपको वॉइस ओवर में भी बता दिया, आपको फेस वॉश का भी काम करेगा। अगर आप 2 मिनट लगा के इसको मसाज करके धो लोगे देन इट इज़ अ फेस वॉश। अगर आप इसको लगा के छोड़ दोगे, आप किसी भी चीज़ के साथ लगा सकते हो, ऑयली स्किन है तो आप कुकुम्बर जूस, वाटरमेलन जूस, लेमन के साथ लगा सकते हो, रोज़ वाटर के साथ लगा सकते हो। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्राई है तो आप दही के साथ लगाओ, हनी के साथ लगाओ, थोड़े से एक ही ड्रॉप खाली लेमन जूस डालो, या अवॉइड भी कर सकते हो अगर किसी को सूट नहीं करता है तो। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप इसी तरह से लगा सकते हो जैसे कि मैंने आपको लगा के दिखाया। मैंने वाटरमेलन का जूस डाला था क्योंकि आजकल सीजन है। अगर सीजन नहीं है तो नो प्रॉब्लम, जो भी अवेलेबल हो, कुकुम्बर अवेलेबल हो, जो भी अवेलेबल हो फ्रूट, आप वो डाल सकते हो। सभी फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं हमारी स्किन के लिए। और आइए स्क्रब की तरह भी काम करेगा। अगर आप इसको लगा के हल्का हल्का मसाज करेंगे कुछ देर के लिए तो आपका स्क्रब का इफेक्ट देगा, क्योंकि इसमें सैंडलवुड पाउडर है और सैंडलवुड पाउडर के थोड़े से ग्रैनुल्स जो हैं वो ऐसे होते हैं कि वो स्क्रबिंग इफेक्ट देते हैं। एज वेल एज अगर आपको हैवी स्क्रब बनाना है तो आप इसी के अंदर आधा चम्मच राइस फ्लोर ऐड कर दो, यानी कि मतलब चावल का आटा, तो बहुत अच्छा स्क्रबिंग का इफेक्ट देगा। तो गाइज मैंने तो बहुत फ़ायदा उठा लिया इस मेरे फेस वॉश कम फेस पैक कम स्क्रब से, तो आप भी इसका फ़ायदा उठाओ। इसे आप बाथरूम में रख दो आपके बना के, कोई मेहनत नहीं है, आप 15 दिन में एक बार बना के रख दो और यूज़ करो, मान जाओगे मुझे। आप इसे रेगुलर यूज़ करो, आपकी स्किन पे ऐसा ग्लो ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। आपको एक दिन में इफेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये है बिल्कुल आयुर्वेदिक चीज़ें, नेचुरल चीज़ें हैं। एक दिन में आपको 100% जो आपके रिजल्ट आपको चाहिए वो नहीं मिलेंगे क्योंकि ये आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, लेकिन आप जब इसे रेगुलर यूज़ करेंगे तो आप मुझे मान जाएंगे। सो जितना भी बचा हुआ था सारा का सारा मैंने अपनी बॉडी पे घिस दिया है नहाते हुए, और अभी बॉडी लोशन लगाना बाकी है, लेकिन आप ग्लो देख सकते हो, ग्लो देख सकते हो मेरे स्किन पे। तो उसी से घिस के मैं जो है नहा ली हूँ। मैंने नेक पे भी घिसा है क्योंकि मैंने सिर्फ फेस पे अप्लाई किया था तब, तो नेक पे घिसा है, हाथों पे घिसा है, और ये आर्म्स पे भी घिसा है, और आप ग्लो देख सकते हो फेस पे और हाथों पे। तो आई होप ये जो ट्राइपॉड है वो मैंने हाथ में इसीलिए लिया हुआ है जिससे मैं आपको डे लाइट में, बाहर से डे लाइट आ रही है, आप देख सकते हो बाहर से डे लाइट आ रही है, और उसमें मैं आपको प्रॉपर दिखा सकूँ ग्लो और इसका असर। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ग्लो है, और इन्हीं चीज़ों पे मैंने हमेशा से ट्रस्ट किया, सारी नेचुरल चीज़ों पे मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है, और यही सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लाइफ में अप्लाई करती हूँ। फेस पैक्स, हेयर पैक्स, बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करती हूँ, बहुत सारी मेरी जो ब्यूटी रेमेडीज़ हैं धीरे धीरे सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा। देखो बहुत ज़्यादा निखार आ गया है, और जो वाइल्ड टर्मरिक होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है स्किन के लिए, वही मैंने इसके अंदर अप्लाई की थी, डाली थी मतलब, और आप फ़र्क मतलब फेस पे देख सकते हो, ग्लो देख सकते हो। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, और फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फॉर मोर अमेजिंग ब्यूटी रेमेडीज़। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मेरी कोई भी ब्यूटी रेमेडीज़ जो शेयर करूंगी मैं। और मैंने आपको एक झलक दिखा दी कि जब मैं पूरी तरह से तैयार होती हूँ, होता क्या है ये नेचुरल चीज़ें हैं तो एकदम से तो रातों रात फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यस एक बार में इतना फ़र्क आपको दिखाई देगा, मतलब आपका स्किन टोन जो है वो आपको सुधरता हुआ इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देगा। आप खुद देख सकते हो कि आपका स्किन टोन इम्प्रूव हो रहा है, आपकी स्किन क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है, आपका जो स्किन का टोन है जब आप 1-1.5 महीने तक इसे यूज़ करोगे तो आप देखोगे कि एक टोन लाइट हो गया है। तो धीरे धीरे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा ये फेस वॉश, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। टिल देन लव यू, टेक केयर, स्टे ब्यूटीफुल एंड